तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आपकी हंसी छूट जाएगी। तो बने रहिए ब्लॉग में और शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो जय श्री कृष्णा मेरे सारे प्यारे भाइयों को, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी केला गोदाम की तरफ। हमारे गाँव से बाहर कुछ दूरी पर ही एक केला गोदाम है और उसके ही जस्ट बगल में एक स्विमिंग पूल है। लेकिन स्विमिंग पूल की क्या कंडीशन है और कैसा हमारे गाँव का स्विमिंग पूल है आपको देख कर भी हंसी आएगी। तो वो सारी सिचुएशन आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए केला गोदाम की तरफ चलते हैं, उस आपको स्विमिंग पूल को भी दिखाते हैं कि स्विमिंग पूल हमारे गांव का कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ केला प्लांट पर। इस साइड में आपको ये केला प्लांट दिख रहा है और इसके जस्ट सामने जो बड़ा सा पेड़ है उसके आगे एक खेत है जिसको हम साल भर के लिए लेकर करते हैं पैसे देकर। और देखिए ये कुछ इस प्रकार का हमारा केला प्लांट है। इसमें आपको देखो बिन देखने के लिए मिलेंगी और अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो इसमें जो केला रखी जाती हैं वो बिन यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये सारा कुछ हमारा कुछ साल पहले ही यहाँ स्टार्ट हुआ है ये प्लांट और ये हमारा। तो दोस्तों केला प्लांट से आगे जैसे ही हम स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं तो ऐसा रास्ता हमको देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। तो ऐसा सारा रास्ता ये हाईवे तक जो लग रहा है वो सारा रास्ता ऐसा ही बगड़ा हुआ है और इसका कोई सुधार नहीं होने वाला है। ये बरसों से ही ऐसा रहा है, जब से हमने देखा इस रास्ते को तब से ऐसा ही रहता है। चार बूंद पड़ती है, चार बूंद के बाद ये ऐसा ही हो जाता है। तो आपको ये सामने दिख रहा होगा, एक झोंपड़ी सी दिख रही है, इसी की साइड में मैं आपको एक स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है हमारे गाँव का स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में पानी नहीं है लेकिन स्विमिंग पूल के बाहर पानी भरा हुआ है। तो ये इंटरेस्टिंग नज़ारा आपको हमारे गाँव में ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ देखिए जो सपील लगाते हैं फिसलने के लिए वो उल्टा पड़ा हुआ है और ये कई महीने हो गए इसको उल्टा पड़े हुए, तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। और कितनी गंदगी में ये स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसकी कोई मतलब ये सफाई नहीं है। तो ऐसा स्विमिंग पूल आपको केवल हमारे गांव में ही देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं पानी स्विमिंग पूल में बिल्कुल नहीं है लेकिन स्विमिंग पूल के बाहर कितना पानी भरा हुआ है। तो ऐसा स्विमिंग पूल है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ये आशा है। और हमारे गांव में ये यूनिक स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो इसका नज़ारा आप देखिए और ये रास्ता है स्विमिंग पूल के आगे का, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा साफ साफ कैसा रास्ता है, कैसा स्विमिंग पूल है। तो यही मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा था कि आप हमारे गांव का स्विमिंग पूल देखें एक बार, देखिए क्या व्यू आ रहा है स्विमिंग पूल का। तो आगे बढ़ते हैं हाईवे की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारे गाँव के बाहर बना हुआ नया हाईवे और इसी पे ही हमारे गांव के जितने भी सभी विद्यार्थी हैं वो मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, अपनी कसरत करने आते हैं। तो मैं आपको एक बम्बा दिखाता हूँ अपने गांव का बम्बा, यहाँ से हमारे खेतों की सिंचाई होती है। तो ये सामने ये बम्बा है, यहाँ से हमारे गांव के जितने भी खेत हैं उन सभी की सिंचाई यहीं से पाइप डाल के की जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको ये देखने के लिए नज़ारा मिलता है। और दोस्तों इसी हाईवे पर थोड़ा आगे चल के हमारे गांव के जितने भी विद्यार्थी जो रेस करते हैं उन्होंने अपना एक जगह बना रखा है। ये देखिए आप प्रॉपर, ये हमारे जो इन फ्यूचर आने वाले आर्मी मैन हैं वो हमारे गांव के यहीं तैयारी करते हैं। तो यहां कसरत करते हैं सभी बंदे, आते हैं सुबह मॉर्निंग में। अभी थोड़ा ना लेट समय हो गया तो सभी बंदे यहाँ से निकल चुके हैं। तो तिरंगा लगा रखा है उन्होंने और बहुत मेहनत करते हैं बंदे, देखिए उनका फिर भविष्य अच्छा रहे। ये हमारा मॉर्निंग वॉक का देखिए आप व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू यहाँ से नज़र आता है। तो दोस्तों कुछ प्रकार ये हमारा मॉर्निंग वॉक का नज़ारा है जो मैंने आपको अभी दिखाया। और हम यहीं आते हैं मॉर्निंग वॉक करने, आज मैं अकेला आया हूँ। और माहौल यहाँ थोड़ा शांत रहता है, कुछ ज़्यादा वाहन नहीं चलते हैं इस रोड पर, दो चार वाहन चलते हैं। और सुबह का माहौल थोड़ा सुहावना होता है यहाँ, आप देख सकते हैं। और फिलहाल हो चुका है 6:30 हो चुके हैं फिलहाल के, तो घर चलते हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात मेरे दोस्तों, ऐसे ही मेरे रोजाना के ब्लॉग देखने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक नया से नया ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ जानने के लिए मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ध्यान से। तो ये नज़ारा आप लोग देख रहे हैं और यहाँ से देखिए मैं आया था वहाँ मेन रास्ते से आया था लेकिन यहाँ एक छोटा शॉर्टकट रास्ता है तो शॉर्टकट रास्ते से हम यहाँ चलते हैं। ये रोड के नीचे से होके जा रहा है तो यहाँ से हम थोड़ा सीधे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वहाँ एक जो मैंने पहले केला प्लांट दिखाया था वो केला प्लांट सामने है तो वहीं पहुँचेंगे यहाँ से सीधे निकल के। केला प्लांट के सामने एक
खेत है जिसको हम साल भर के लिए पैसे देकर लेते हैं, तो उसमें कैसे धान उपजे हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पहुँचकर। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। ओहो, यहाँ रास्ता थोड़ा बुरा हो रहा है, देखो ओह एक ही छो रही है यहाँ। तो दोस्तों मैं अब आपको अपनी गांव की हरियाली दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं क्या हरियाली छाई हुई है खेतों में। दूर दूर तक तो आपको ये हरियाली हरियाली नजर आएगी। तो कुछ इस प्रकार का समय होता है ये कि यहाँ खेतों में इस टाइम पे हरियाली हरियाली होती है। ये सभी धान लगे हुए हैं यहाँ पर। पिंगी क्या कर रही है, पिंगी क्या कर रही है सुबह सुबह से? देखिए दिन निकलना नहीं है अभी, अभी मुश्किल से अभी बजा हैं, 7 बजे हुए हैं और पिंकी यहाँ लगी हुई है अपने दरवाजे के सामने। क्या कर रही है पिंकी सुबह सुबह से? क्या हो रहा है, ये कोई फुलवा रही है क्या है? ये नहीं बताएगी भाई, ये नहीं बताएगी। देवकी नंदन से बात करते हैं आगे। और दीप नंदन क्या कर रहा है? दांतन कर रहे हैं हमारे लिए, दांतन नहीं तोड़ी। ओह धन्यवाद धन्यवाद, एक के लिए रखी थी कोई भी आए पहले। हाँ ठीक है, तो दोस्तों हम दांतन करते हैं उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। हाँ क्या कह रहा था तू? लड़ाई करेगा कर रहा था। हमारे गांव का पंडित इसका नाम मां से और ला से स्टार्ट होता है। मां से मतलब और ला से मतलब। तो दोस्तों हम आ गए मॉर्निंग वॉक के बाद अपने घर पर, और घर पर सब्जी बन रही है। चंचल है ये आटा लगाने लग रही है। सब्जी किसकी बन रही है? घिया की और करौंजे की। घिया और करौंजा? ओहो, तो घिया और करौंजा की सब्जी बन रही है भैया। और हम नहाते हैं, नहाने के बाद देखते हैं कैसी सब्जी ये बनाती है। तो चलो पहले नहाते हैं उसके बाद फिर देखते हैं आगे का शेड्यूल क्या है। बनाओ क्या करेंगे मोबाइल है, क्या कर रही थे मोबाइल? दाढ़ी बना रही? देखो भाई इसी से रखो, ये कैंची रखो, ये मम्मी वाली दाढ़ी बना रही हमारी। दाढ़ी बना रही